हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम प्राची शर्मा, योर पेपर टू पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर, और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए आई हूँ। आई एम प्रिटी श्योर आप में से ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या UGC नेट एग्ज़ाम एक महीने में क्लियर हो सकता है, क्या जून 2024 के एग्ज़ाम में JRF में हासिल कर पाऊँगी। तो उन सभी का आंसर है स्टूडेंट्स, हाँ, आप डेफिनेटली UGC नेट JRF एग्ज़ाम एक महीने में क्लियर कर सकते हैं। बस चाहिए तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी प्लानिंग एंड स्मार्ट स्टडी। और वो कैसे करना है, आपका क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल बनना चाहिए, किस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, वो ही बताने के लिए मैं आज आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने से कि कैसे हम UGC नेट JRF एग्ज़ाम को 30 दिन में क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स गो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काफ़ी बार से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दो बार उन्होंने अटेम्प्ट भी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली या तो सिर्फ नेट क्लियर हो पाता है या सिर्फ JRF या कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं बट उन्होंने पढ़ाई अभी भी स्टार्ट नहीं की है, अब स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग तरह के लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब स्टूडेंट्स आपकी सर्कमस्टांसेस अलग अलग होती हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। ओके, एक ऐसा स्टूडेंट्स जो 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी लास्ट 1 मंथ की डेफिनेटली अलग होगी एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको स्ट्रैटेजी प्लान बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह के हमारे पास टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी रिविजन स्टेज में हम कह देते हैं, अभी जब लास्ट 1 महीना बाकी है तो वो थोड़े से रिविजन स्टेज में हैं, वो अनअकैडमी या किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, या वो सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, कुछ भी करके, मतलब वो आने वाले जो गए हुए 6 महीने हैं, 1 साल उसे प्रेपरेशन कर रहे थे। देन ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइमर में भी 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं यानी कि वो अपने रिविजन स्टेज में हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, वो अभी स्टार्ट करेंगे। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बस अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अब जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनमें ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइमर हो, जैसे मैंने बताया, और ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली या तो उनका सिर्फ नेट क्लियर हुआ या फिर उनका नेट क्लियर नहीं हुआ एंड दे आर लुकिंग टू क्लियर दैट एग्ज़ाम, ठीक है। तो इन सारे तरह के टाइप्स ऑफ लर्नर्स की क्या स्ट्रैटेजी, क्या तरीके की रणनीति रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन्होंने जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले उनसे स्टार्ट करते हैं कि जिन्होंने जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ओके, उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, पर उन्होंने अब रियलाइज़ किया कि अब अराउंड 30 डेज मेरे पास बचे हैं तो अब मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अभी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन से पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप एक फर्स्ट टाइमर हैं तो अच्छे से सिलेबस पढ़ें, और अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया हुआ है या आपने MA में देखा हुआ है नेट का सिलेबस, BA में आपने नेट एग्ज़ाम के बारे में सुना था तो आपको पता है, तो एक बार एक जल्दी से गो थ्रू अपने सिलेबस को कीजिए। जैसे आप अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे उसमें
आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मार्क कर लीजिए, आपके हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मार्क कर लीजिए। मुझसे जनरली स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अब एग्ज़ाम में एक महीना बचा है, कौन से यूनिट्स पढ़ के जाएँ और कौन से लीव कर दें। तो यहाँ मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी यूनिट छोड़ के मत जाएँ। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब आप हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ पढ़ के जाते हैं तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि उन यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इवन अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपने शायद टॉपिक पढ़ा ना हो, बट आप अपनी खुद की समझ से और गट फीलिंग से, जिसे कहते हैं, आप क्वेश्चन एटलीस्ट आंसर तो कर पाओगे, आप बिल्कुल भी एब्सेंट माइंडेड नहीं होंगे, राइट? तो इसलिए यही मैं टिप आपको देना चाहूँगी कि सारे यूनिट्स को कवर करें। आई नो आपको लगेगा कि काफ़ी कम टाइम है, बट सारे यूनिट्स को कवर करें एंड सब यूनिट में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है? तो जब आपने एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लिया और आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लिया है, अब आती है आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बारी। तो अभी हमारे पास अराउंड 30 डेज बचे हैं और इन 30 डेज में स्टूडेंट्स मैं सैटरडे और संडे को भी गिन रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जब इतना पास हो तो कोई सैटरडे संडे नहीं होता है, ठीक है? तो मैं इन 30 दिनों में सैटरडे संडे को भी गिन रही हूँ। तो आपको फॉलो करना है 20:10 का फॉर्मूला। 20:10, 20:10 का मतलब है कि 20 दिन आप रखेंगे पढ़ने के लिए, यानी कि स्टडी के लिए, और जो बाकी के 10 डेज हैं स्टडी / रिविजन, बाय द वे, क्योंकि आपके पास रिविजन करने का टाइम नहीं है देखा जाए तो, स्टडी / रिविजन, और जो बाकी के 10 दिन हैं वो होंगे फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है PYQs, मॉक टेस्ट एंड फैक्चुअल रिविजन। अब ये फैक्चुअल रिविजन क्या है वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? तो ये जो आपने 20 दिन रखे हैं स्टडी रिविजन के, ये 20 दिन हैं आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए स्टूडेंट्स आप ये 20 दिन रख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो स्टूडेंट आप 20 दिन रख रहे हैं, इनमें आपको अपने हिसाब से जैसा आपको लगता है कि आपको कितना टाइम चाहिए, आप इस पीरियड को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पेपर 1 जो है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब पेपर 2 जो है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस मैथ को लगा के पेपर 2 के लिए ज़्यादा टाइम रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि मैं पेपर 2 के लिए 15 दिन रखूँगा फ्रॉम दीज 20 डेज, ठीक है? और बाकी के जो 5 डेज हैं आई विल कीप इट फॉर पेपर 1। पर अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर 1 बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर आप इक्वल टाइम रख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, यानी कि 10-10 डेज ईच, ठीक है? अब आप हर दिन पढ़ाई कैसे करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। हर दिन स्टूडेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कितने घंटे पढ़ना है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन 6 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है? आपने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन 6 घंटे पढ़ूंगा, तो इन 6 घंटे को ऐसे डिवाइड करना है कि आप एक यूनिट को कम से कम 3-4 दिन में कंप्लीट कर लें, ठीक है? एक यूनिट को 3-4 दिन में कंप्लीट कर लें, डिपेंडिंग अपॉन वो यूनिट कितना बड़ा है। अगेन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है? चाहें तो आप एक PYQ पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी के एजुकेटर्स की क्लास देख सकते हैं ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, और ये पता लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की ऐसी बहुत सारी क्लासेस ली हैं जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो आप वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रैक्टिस करके मतलब पढ़ सकते हो, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है, या मैं 2 दिन में भी इसे कंप्लीट कर सकती हूँ। मेरे हिसाब से 3 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना टाइम को बांट सकते हैं,
ठीक है, तभी मैंने इनिशियली पेपर टू को 15 डेज दिए थे, क्योंकि टॉपिक्स को इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है और पेपर वन को आप 5 डेज दे सकते हो. बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या फील होता है, आपको क्या लगता है कि कितने डेज मुझे रखने चाहिए किसके लिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो. तो जैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं पेपर टू के जो IR टॉपिक है उसे 3 डेज में कंप्लीट करूँगा, पॉलिटी में 3 डेज में कंप्लीट करूँगी, ठीक है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं. अगेन मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मान लीजिए हर दिन के लिए 6 घंटे का टाइम रखा है कि हर दिन मैं 6 आवर्स पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, तो इन 6 आवर्स को ऐसे डिवाइड करिए कि आप जो भी आपने एम किया है वो सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ लें. जैसे मान लीजिए कि आपने, हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपने डिसाइड किया कि आज के दिन मैं सारे अप्रोचेज यानी कि दृष्टिकोण को कवर कर लूँगा, तो उसी हिसाब से अपने 6 आवर्स को डिवाइड कीजिए. 1 घंटा आप रख सकते हैं रिविजन के लिए भी, कि जो भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है उसका एक छोटा सा रिविजन वापस कर लीजिए, बहुत छोटा सा, जस्ट गो थ्रू. तो ऐसे करके आप अपना पूरा टाइम पीरियड बना सकते हैं आने वाले 20 डेज के लिए. वैसे ही पेपर वन के लिए भी, जैसे आप 1 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड रख सकते हैं, 1 दिन रिसर्च कर सकते हैं, 2 दिन मैथ्स के लिए रख सकते हैं अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, ठीक है. इन्वायरमेंट, ICT, ऐसे करके आप अपना टाइम पीरियड बांट सकते हैं, ठीक है. सो दैट आप अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंडर सारी चीज़ें कवर कर सकें, ओके. जब बात आती है बाकी के 10 डेज की, जो बाकी के 10 डेज हैं स्टूडेंट्स, उनमें आपको अब करना है प्रैक्टिस. ये वो टाइम है जब कोई नई चीज़ को मत पढ़े, ठीक है, बस प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैम व्हाट इफ अगर 20 डेज में हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं कंप्लीट कर पाए, जैसे आपने IR को 3 दिन दिए थे पर आपको IR कंप्लीट करने में 5 दिन लग गए, पॉलिटी को आपने 3 दिन दिए थे पर आपको 6 दिन लग गए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये 10 दिन भी हैं. बट इस 10 दिन में आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा प्रैक्टिस पे होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब कोई चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में जल्दी बैठती है, ठीक है. अगर आपको कोई बताए कि कैसे तैरना है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे तैरना है, तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, पर आप जब खुद पानी में गिरोगे और तैरने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा ऐसे मैं करता तो मैं डूबता नहीं, मैं ऐसे करता तो मैं ज़्यादा आगे जा सकता, एंड एक्सेट्रा. तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो 10 डेज आपके पास बचते हैं, इनमें आप हर दिन या तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें या फिर एक मॉक टेस्ट करें, ठीक है. मान लीजिए कि आपने 1 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया, और ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, यानी कि पेपर वन और पेपर टू को मिला के. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको अब पेपर चेक करना है. चेक करने के टाइम पे बहुत ही ध्यान से इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, या उन क्वेश्चंस को मार्क कीजिए जो आपके गलत हुए, एंड उनका एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए. बाकी का जो दिन बचेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद या मॉक टेस्ट पेपर करने के बाद, आपका टाइम बीतना चाहिए उन टॉपिक्स को कवर करने में. ये वो टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो आपने 20 दिन में कवर किए. क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, वो टॉपिक्स भी जो एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, और उनको पूछने की वापस जो एक्सपेक्टेशन है वो हो सकती है बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट भी किया और रिविजन भी आपने कई बार करी. अगर आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का किया पेपर वन से, और आपको रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग एप्टीट्यूड इतने अच्छे से आपका नहीं हुआ है, तो आप बाकी के दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को अच्छे से कर सकते हैं. इन 10 दिन में लास्ट के कुछ दिनों में रखिए फैक्चुअल रिविजन के लिए. फैक्चुअल रिविजन का मतलब है ईयर्स, डेट्स और बुक्स को याद करने के लिए, ठीक है, जिससे वो आपके दिमाग में ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत फ्रेश रहे और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें. तो ये वो स्ट्रैटेजी है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जस्ट अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया है, ओके. सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी. अगेन जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिखा है,
कि आईआर के लिए 3 दिन रखिए, पॉलिटी के लिए 3 दिन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1, आप इस पीरियड को अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना टाइम लगता है एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ओके। एंड अगर आप अनअकैडमी के एजुकेटर्स की क्लासेस देखते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी रिवीजन में करवा देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी बहुत टाइम से पढ़ रहे थे और रिविजन स्टेज में हैं, या वो फर्स्ट टाइमर है और बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, ठीक है। रिविजन स्टेज में वो लोग भी हो सकते हैं जो पहली बार अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, पहले मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, ठीक है, एंड दे कुड बी द फर्स्ट टाइमर्स एज वेल। अब आप दोनों के लिए सेम तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर फर्स्ट टाइमर में आपने जस्ट अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की है तो आपके लिए यही स्ट्रैटेजी होगी जो मैंने बताया है। पर अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और बहुत टाइम से रिविजन कर रहे हैं, या मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं और आपने अभी तक बहुत टाइम से रिविजन किया हुआ है, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी है। और आपकी स्ट्रैटेजी होगी 10:10:10, ठीक है, 10:10:10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले के जो 10 दिन हैं, पहले फर्स्ट हाफ के जो 10 डेज हैं स्टूडेंट्स, उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको वो टॉपिक्स को पढ़ना है जो अभी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे थे, और इवन दो आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, ये टॉपिक्स आपके कवर नहीं हो पाए हैं, या इवन दो आप 6 महीने 3 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे पर अभी भी आपका सिलेबस बाकी है, तो आप अपना जो बाकी का सिलेबस है वो इन 10 डेज में कवर करोगे, ठीक है, ओके। जो दूसरा 10 डेज आपका शुरू होता है, जो सेकेंड 10 डेज का पीरियड आपका स्टार्ट होता है, इन सेकेंड डे के 10 पीरियड में आपकी स्टार्ट होगी एक फाइनल रिविजन, आपकी स्टार्ट होगी फाइनल रिविजन। ये फाइनल रिविजन वो होगी कि आप सारे सिलेबस को देखें, एक बार गो थ्रू करें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं हो रहे हैं, या बार आपको उन फिर से एक बार उनके रिविजन करने की ज़रूरत है, तो आप उन सारे टॉपिक्स को वहाँ पर उठाएँ एंड एक और बार रिवाइज करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, इवन दो मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप पूरे के पूरे 20 डेज ले सकते हो एंड अपना जो बाकी का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 20:10 का फॉर्मूला आप भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका ऑलरेडी यू नो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप ये 10:10:10 का फॉर्मूला फॉलो करो कि 10 दिन रखें मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए इनिशियली, या वो टॉपिक्स जो आपको लगता है कि मैं कवर नहीं कर पाई किसी वजह से, जो बाकी के 10 डेज हैं वो आप रखोगे अपने फाइनल रिवीजन के लिए। अब मैं सिर्फ 10 डेज जो फाइनल रिवीजन के लिए दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 दिन रखें, हर यूनिट के लिए 2 से 3 दिन रखें, वो पॉसिबल नहीं होगा। 10 डेज का मतलब है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 10 डेज रखना है। तो जो इसमें फाइनल रिविजन होगी वो फाइनल रिविजन होगी अगेन उन चीज़ों के लिए जो आपको थोड़े से स्ट्रगल वाले लगते हैं, या आपको लगता है कि मुझे और बार रिविजन करना पड़ेगा बिकॉज मेरे क्वेश्चंस बार बार इससे गलत हो रहे थे, ओके। एंड बाकी के जो 10 डेज लास्ट के 10 डेज है वो आपको भी रखने हैं फॉर PYQs प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड फैक्चुअल रिविजन, ठीक है। एंड ये याद रखिए, ये सभी स्टूडेंट्स और लर्नर्स पर एप्लीकेबल होता है कि आपको अपने आप को टाइम ज़रूर करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर सीखना है, बिकॉज स्टूडेंट इस बार जो पेपर है वो OMR शीट पर है, ऑफलाइन है, एंड जब आप ऑफलाइन में पेपर देते हैं तो आपको कुछ टाइम रखना पड़ता है अलग से इन ऑर्डर टू ऑल्सो फिल दी OMR, जो हम ऐसे सर्कल करके फिल करते हैं, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो आप 3 आवर्स का पेपर है आपका, उसके लिए अपने आप को टाइम ज़रूर करें कि PYQs कर रहे हैं या मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो 3 घंटे के अंदर अंदर उसे ख़त्म करना ही है, और ट्राई कीजिए कि 2 आवर्स 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करें, क्योंकि वो जो 15 मिनट आप छोड़ रहे हो बेसिकली, या 10 मिनट्स छोड़ रहे हो, वो OMR को फिल करने के लिए भी आप छोड़ोगे, राइट। तो ट्राई करो कि अभी से अपनी स्पीड ऐसी बनाई जाए कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, ओके। तो बाकी के जो 10 डेज बचते हैं उसमें आप लोगों को स्पेसिफिकली जो बहुत टाइम से प्रिपेयर करें, कुछ नई चीज़ पढ़ना नहीं है, एब्सोल्युटली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस PYQs और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें
एंड फैक्चुअल रिविजन करें, मतलब फैक्ट्स को पढ़ें, जैसे कि बुक्स, डेट्स, ईयर्स एक्सेट्रा। और PYQs और मॉक टेस्ट करते हुए अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं तो उनको रिवाइज करें। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपकी बहुत मदद करेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। एक महीने का टाइम यानी कि 30 डेज़ का टाइम बहुत होता है UGC नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बस जैसे मैंने बताया, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत है। जहाँ तक टाइम टेबल की बात की जाए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप अपने लिए 6 आवर्स सोच रहे हैं कि मैं हर दिन 6 आवर्स पढ़ूंगा, तो इस 6 आवर्स को ऐसे डिवाइड कीजिए कि लास्ट का जो 1 से 2 घंटे रखते हैं उसमें आप जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसे रिवाइज भी कर पाएं। पर अगर ऐसा टाइम नहीं बचता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर याद रखिए कि ये जो 30 दिन का टाइम है, इसमें ऐसे पढ़ाई कीजिए कि आपकी फ़ाइनल रिविजन है, क्योंकि आपको शायद वापस पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड जैसे मैंने बताया, इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए कि सारे के सारे यूनिट में से कुछ ना कुछ पढ़ के ज़रूर जाएं, जिनसे आप बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड या बिल्कुल डब्बा गोल अंडा ना हो एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे, आपको ये स्टडी प्लान और टाइम टेबल अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे में और वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ, जैसे कि OMR शीट को फिल करने के लिए कितना टाइम रखा जाए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपके पास कोई भी और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको टाइप करना है प्राची शर्मा पॉलिटिकल साइंस, और आपको मेरी पर्सनल ID और ग्रुप्स मिल जाएंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो हम कल शाम को 4 बजे मिलने वाले हैं एक स्पेशल क्लास के लिए, जहाँ पे मैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि आजकल एग्जाम में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन paper 2 में भी आने लगे हैं। तो उसका मॉक टेस्ट हम कल करेंगे 4 बजे अनअकैडमी की ऐप और वेबसाइट पे, तो वहाँ पे मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। डू नॉट वरी, यू विल डू योर बेस्ट। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।